हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप दैट यू आर वेल। आज दी वीडियो विच आपा जून 2013 दा जो सेकंड पेपर है उसके एमसीक्यूज कवर करांगे जो कि सीडीपी दे पार्ट दे ने। लाइक अगर तुसी एग्जाम देना चाहते हो अपना दिसंबर मंथ के विच देना चाहते हो पीएस टेस्ट दा या फिर बाद विच तुसी मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर दे क्वेश्चन पेपर ने 2013 दे विच जेड़ा कि एग्जाम होया सी पेपर 2 होया सी उसके 30 जो एमसीक्यूज ने CTP दे केड़े आए थे वो अपा एक बार चेकआउट करांगे ते विद आंसर दे नाल देखांगे कि जो क्वेश्चन दा लेवल है किस अकॉर्डिंग आ। ये वीडियो जस्ट एज एक इनफॉर्मेशन वीडियो है थोड़ी हेल्प करने लिए, सो वीडियो नू लास्ट तक जरूर देखना। देखिए जी, फर्स्ट एमसीक्यूज है, किसने कहा कि संज्ञान भावनावां दे केंद्र विच है अते उस वल वधदा है। सही ऑप्शन है जी ए, सक्रेचर एंड सिंगर। नेक्स्ट नंबर 2, इन्हां विचों केड़ा विकल्प खास जरूरतां वाले बच्चे नू पछाणन लई नहीं वरत्या जा सकदा। सही ऑप्शन है जी ए, मापिया का समाजिक पद्धर। नैक्सट नंबर 3, इन्हां विचों केड़ा बुद्धि ते वंशन प्रभाव के कथे सबूतों तो मेल नहीं खाता है। सही ऑप्शन है जी अपने को डी, क्लिनिक पढ़ाई। नैक्सट देख रहे नंबर 4, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों दिया संचनात्मक योग्यतावां का अनुमान लाना चाहती है तो उसनू बनाना चाहिए है की बनाना चाहिए। नंबर सी, मुलंकन योजना के अंतर्गत खुले अंत वाले कार्यों की वन सुवंता विच लचीलापन। नेक्स्ट नंबर 5, इन्हां विचों केड़ा संचनात्मक पहुंच विधि का एक लक्षण है। सही ऑप्शन है जी डी, विद्यार्थियों वालों स्वय मुलंकन अते चिंतन। नेक्स्ट नंबर 6, इन्हां विचों केड़ी संज्ञान प्रक्रिया बिल्कुल सही अते योग संग्रह नूं पक्का करती है। सही ऑप्शन नंबर सी, कोड प्रदान करना। नेक्स्ट नंबर 7, इन्हां विचों केड़ी पद्धति आधारित व्याख्या है। सही ऑप्शन है जी डी, विवा नूं जो सवाल दिते गए उस विच 10 जो 8 दे सही जवाब दिते। नेक्स्ट नंबर 8 एमसीक्यूज, जद सृजनात्मक सोच दी उत्पत्ति हुंदी है तां आलोचनात्मक सोच डैश है। सही ऑप्शन देखदे हां जी अपने को नंबर 8 दी बी ऑप्शन सही है जी, विश्लेषण ने। नेक्स्ट नंबर 9, किसी नतीजे ते पहुंचन तो पहला उसके वक्खो वक्खरे विकल्पां दी खोज करना किस तरह शख्सियत दी पहचान है। सही ऑप्शन जी सी, रोक बंदिश दी पहचान। नेक्स्ट नंबर 10, इन्हां विचों केड़ा कथन सिक्ख्या प्रक्रिया दा लक्षण नहीं है। सही ऑप्शन जी ए, सिक्ख्या सिर्फ उपदेशां राहीं जन्म लैंदी है। नेक्स्ट नंबर 11, बेल दी वरतों पढ़न दे उद्देशां लई कीती जांदी है। इन्हां विचों केड़ी इंद्री बेल राही पढ़न लई वरती जांदी है। सही ऑप्शन जी डी, स्वाद राही। नेक्स्ट नंबर 12, बुद्धि दे सिद्धांत विच कौन बुद्धि दी आलोचना करदा है। सही ऑप्शन जी सी, रॉबर्ट स्टेनबर्ग। नेक्स्ट नंबर 13, फॉर्मेटिव मुलंकन किस राही सब तो वधिया प्रस्तुत नहीं हुंदा। नंबर सी ऑप्शन करैक्ट है जी, सलाना टेस्ट। नेक्स्ट नंबर 14, इन्हां विचों केड़ा विकल्प प्रगतिशील विद्या दा लक्षण दर्शाउंदा है। सही ऑप्शन है जी बी, लगातार मुलंकन। नेक्स्ट नंबर 15, सीखण दी अयोग्यता नाल किसी सीखण वाले की पछाण इन्हां विचों केड़ा सीखण वाले नाल सीधे तौर ते संबंधित नहीं हो सकता। नंबर बी, अति क्रियाशील। नेक्स्ट नंबर 16, सीखण लई प्रोत्साहन महत्वपूर्ण है क्योंकि ए डैश किया डी ऑप्शन करैक्ट है जी, सीखने विच रुचि पैदा करने लई मदद करदा है। नेक्स्ट देखते हैं जी अपने को जो एमसीक्यूज नंबर 17 है जी। जे वीडियो वधिया लगी तो वीडियो जरूर लाइक कर दियो क्योंकि ये थोड़े लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। डाउन सिंड्रोम इन्हां विचों किस वजह नाल हुंदी है। सही ऑप्शन है जी बी, गुणसूत्र अस्वाभाविकता। नेक्स्ट नंबर 18, भाषाई संबंधता पूर्ण अनुमान की सही परिभाषा की है। सही ऑप्शन है जी सी, हर एक सोच भाषाई श्रेणियों तो तय होती है। नंबर 19, एक टेस्ट मनन योग है जेकर की है। नंबर बी ऑप्शन करैक्ट है, वही मापदा है जो वो मापन का दावा करता है। नंबर 20 एमसीक्यूज, इन्हां विचों केड़ा सच है। केड़ा सच है जी, नंबर डी ऑप्शन करैक्ट है, भाव साडी सिक्ख्या दे सुभाव दे पक्केपन विच वाधा करता है। 21 एमसीक्यूज, कोल वर्ग दे नैतिक विकास दे सिद्धांत दा विकल्प गिल्लीगन ने प्रस्तुत किया है। नंबर ए ऑप्शन करैक्ट है जी, देखभाल दी नैतिकता। नेक्स्ट 22, बच्चे अपने माँ प्यो नालों मोबाइल दी वरतों दी ज्यादा समझ रखते हैं। इस बारे नवे मोबाइल दी वरतों विच मापे
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਨੈਕਸਟ 23, ਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਬੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਨੈਕਸਟ 24 MCQs, 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਬੀ, ਸਥਾਪਨ ਸੰਗਾਨ। ਨੈਕਸਟ 25, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਚਾਰ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਉਨਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ 26, ਸਮਾਜਿਕ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਬੀ, ਸਾਥੀ ਸਮੂਹ। ਨੈਕਸਟ 27, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਨੰਬਰ ਬੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ। ਨੈਕਸਟ 28, ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਡੀ, ਨਿੱਜੀ ਬੋਲੀ। ਨੈਕਸਟ 29, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਸੀ, ਸਫਲ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 30, ਅੰਤਰੰਗ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀ ਡੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ 30 MCQs ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦਸੰਬਰ 2013 ਦਾ ਪੇਪਰ 2 ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪੇਪਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ 2014 ਦਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ CDP ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਗਾਇਸ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਬਾਏ।